हम मारने धाड़ने में अच्छा कर लेते हैं। तो असल बात क्या है, असल बात तो ये है कि आपने परफॉर्म करना है, चाहे आपने 35 ओवर में खेलना है और चाहे आपने पूरे 50 ओवर खेलना है। सिंपल सी बात ये है कि आपने नई गेम को जो है वो सी ऑफ करना है। अब अगर जैसे ओवरकास्ट कंडीशन आ रही है और अगर उनके आपको पता है कि वो स्विमिंग कंडीशन में जो हवा में छोड़ने वाले बॉलर होते हैं जैसे भुवनेश कुमार है, तो ये बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। बुमराह जो है वो आपको पता है गुड लेंथ से मूवमेंट अंदर लेके आता है और बहुत तंग करता है। तो यहाँ पे आपकी स्किल, आपकी टेक्निक, ये तमाम चीजें मैटर करेंगी और सबसे ज्यादा आपका स्ट्रांग माइंडसेट। सुबह आप पीएम की ट्वीट की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की है वो ये की है कि जो गेम है ये 70% माइंड की स्ट्रेंथ का गेम है और बाकी जो है वो 30% वो आपकी स्किल है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे इस चीज की है। अभी आप बात कर रहे थे, रजाक बात कर रहे थे रोहित की। देखिए अगर आपने आईपीएल देखा है, रोहित शर्मा की बैटिंग को फॉलो किया है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है शॉर्ट बॉल और हमने उनको 51% शॉर्ट बॉलें करवाई। ये तो हमारा वजह से ठीक है, हमारा वजह से प्रॉब्लम रहा है खासतौर पर का। मैं आपको अभी अब टाइम खत्म होने वाला है, आईएस से भी हमें बात करनी है। अभी हम 6 बजे के बाद भी कंटिन्यू करेंगे होपफुली, तो हम उस सेगमेंट में आपसे और मजीद बात भी कर लेंगे। यारिया आपकी नजर में पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इस ब्रेक का, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कम ओवर्स होते हैं तो हम थोड़ा सा नदर होकर खेलते हैं, लेकिन फिर हमने नुकसान होता हुआ भी देखा है कि एक नई कैलकुलेशन आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा मारधाड़ करनी है उस सूरत में आपकी विकेट ना गिर जाए। देखिए दानिश, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान आपको ये होगा कि डीएलएस का देखा यही गया है कि वो ओवर्स निकाल दिए जाते हैं जिसमें कम रन बनते हैं, वो ओवर्स रखे जाते हैं जिसमें ज्यादा रन बनते हैं। तो पाकिस्तान टीम को जो है वो एक अच्छा टारगेट मिलेगा, आसान टारगेट तो मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ जिस तरह भी आप बात करें, बारिश हो जाएगी तो बारिश की वजह से आउटफील्ड गीली होगी, बॉल ट्रेवल नहीं करेगा, बाउंड्री की तरफ नहीं जाएगा। फायदे की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बारिश कहीं रहमत ना बन जाए, क्योंकि अगर आपको याद हो बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आया है, एक अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मैच था वहां पर पाकिस्तान को फायदा हो गया था। विल गेट बैक टू दैट फैक्ट, एक अपडेट आ गई है अब्दुल माजिद भट्टी के पास। अपडेट है भट्टी साहब, क्या अपडेट है बारिश से मुताबिक आपकी, क्या मैच शुरू होता नजर आ रहा है कुछ टाइम में? नहीं दानिश, बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा। अच्छा, और जो अपडेट है वो ये है कि 75 मिनट अगर खेल रुका रहेगा तो 75 मिनट के बाद ओवर कटना शुरू होंगे और उसके बाद एक और ऑप्शन जो अंपायरों के पास मौजूद है कि अर्ली लंच भी ले सकते हैं, लेकिन 75 मिनट के बाद जो है वो पहला ओवर कटना शुरू होगा। ठीक है, तो फिर मैच शुरू होने के आसार बारिश को देखते हुए आपको अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं भट्टी साहब? क्लियरली कोई आसार नहीं है। ठीक है जी, 75 मिनट बाद ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी। लेट्स सी अंपायर्स क्या करते हैं, क्या अर्ली लंच दिया जाता है और कितनी देर में मैच ओवर्स करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी जियो न्यूज पर हम आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे पैनलिस्ट इस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहेंगे। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना ही, जियो न्यूज पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला